अस्सलाम वालेकुम। अब नाश्ता लेके आए हैं आप लोगों के लिए, हेल्दी नाश्ता, दिमाग तेज करने वाला नाश्ता। सब जरूर ट्राई कीजिएगा। खोया गाजरे हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए आज की रेसिपी। खोया गाजर कैसे बनेगी अभी आपको बताते हैं। पहले गाजरों के ऐसे स्लाइस कर लें, एक एक इंच के छोटे छोटे, छोटी गाजरें लीजिएगा। उसमें जो फिर ना ये वाला पोर्शन निकालना नहीं पड़ता, मोटी गाजरों में ना फिर ये वाला पोर्शन ज्यादा होता है तो वो निकालना पड़ जाता है। छोटी गाजरें लीजिएगा। बादाम है, इलायची, चीनी है 100 ग्राम, 1 kg गाजरें हैं, इलायची और बादाम अपनी मर्जी से ऐड कीजिएगा, चीनी भी अपनी मर्जी से ही ऐड करते हैं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। 2 kg मिल्क है, फुल क्रीमी है। आपको बताते हैं कैसे बनानी है। हम सारी गाजरें काट ली हैं, कटिंग करके ये देखें, दूध और गाजरें हैं सिर्फ, और कुछ नहीं ऐड किया। ये हम इसको बनाएंगे ऐसी। आपने मेरे ख्याल में कभी गाजरें बना के नहीं खाई होंगी, मेरा दावा है इसका। जिन जिन के दिमाग कमज़ोर हो चुके हैं ना मेरी तरह, वो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी मज़े वाला नाश्ता है। ये जो है ना मेरा कैमरामैन, इसने तो मेरा दिमाग खा लिया है और मेरा दिमाग तो कमज़ोर हो चुका है। अब तो मैं यही खाऊंगी, जितनी देर गाजरें चलेंगी रोज़ाना का मेरा नाश्ता यही होगा। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े वाला बनेगा। और देखिएगा अब ये गाजरें बन गई है ना, कैमरामैन साहब ने सुबह रोज़ाना आना है, बाजी ने बना लिए गाजरें और मैं खा लूँ। इतना मोटा हुआ पड़ा, किस दिन मैंने इसी की पिक दे देनी है बीच में, छप्पड़ गुल्ला जिसको कहते हैं ना, इतना मोटा हो गया कैमरा मैन खा खा के। इलायची को हम खोल के ऐड कर रहे हैं, 5 इलायचियां हमने ऐड कर दी हैं। ये पकेगा खूब अच्छे तरीके से पकेगा, बार बार चम्मच चलाइएगा। 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे, फिर आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं कि ये कैसे खोया गाजर तैयार होती है। आधा घंटा हमें हो गया पकाते हुए। चीनी ऐड करेंगे, सौ ग्राम चीनी है, आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे हम एक और बात आपको बता दें कि जो लोग शुगर वाले हैं वो चीनी ना ऐड करें, वो इसी फॉर्म में इसको बर्नर बंद कर दें और इसी फॉर्म में उतार लें, और जिनको चीनी चाहिए वो चीनी ऐड कर लें। और जो कोलेस्ट्रॉल वाले हैं उनके लिए भी बता देती हूँ कि फुल क्रीमी आप दूध ना लीजिएगा, दूध को बॉयल करके ठंडा करके फ्रिज में रख दें, फिर उस पर थिक सी मलाई आ जाएगी, तो वो आपने उतार के वो वाला दूध ले लेंगे। कोलेस्ट्रॉल वाले भी ले लेंगे इस नाश्ते को और शुगर वाले भी ले लेंगे, नॉर्मल लोग भी ले लेंगे। मलाई उतार के साइड पर कर लें और मलाई के बगैर जो दूध है ना उससे आप गाजरें बना लें। इनको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है तो दोनों तीनों के लिए मैंने सारा कुछ बता दिया है। मलाई उतारने का इसलिए बोल रहे हैं कि सारी फैट जो है ना दूध की वो मलाई में आ जाएगी, तो बाकी जो दूध है वो बिल्कुल क्लियर होगा फैट के बिना, इसलिए हमने बताया। सबके लिए हमने ये नाश्ता बता दिया, इसलिए हर बंदा ईजी इसको इस्तेमाल कर सकता है। शुगर वाले लोग भी इस्तेमाल कर लेंगे, कोलेस्ट्रॉल वाले भी और नॉर्मल लोग भी। इस फॉर्म में हमने अब फ्लेम बंद कर दी है, खोया गाजर तैयार है, बिल्कुल तैयार है। डिश आउट करते हैं। इतना मेज़ा रहना है, ये जब हो जाएगा ना ठंडा फिर बहुत मज़े वाला लगेगा। और सारा ये खोया बन गया, देखिए माशाल्लाह। खाएंगे तो याद करेंगे सब, सभी ट्राई कीजिएगा ज़रूर इसको। अब हम डिश में निकालते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तैयार हो गया जी दिमाग तेज करने वाला नाश्ता। माशाल्लाह सब ट्राई जरूर कीजिएगा। गार्निश करते हैं बादामों के साथ इसको। दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। ये मेरी रेसिपी जो है मेरी नानी अम्मा की रेसिपी है, नानी अम्मा ने मुझे सिखाई थी और हमने आपके साथ शेयर की है। ये था सीक्रेट हमारा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।